पांच वर्ष के लिए आपने अपना सांसद चुना था, लेकिन भाइयों बहनों, पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मात्र तीन वर्ष में ही वे धोखा देकर के आजमगढ़ वासियों को चले गए। और आज आजमगढ़ में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। मित्रों, आजमगढ़ की अपनी एक पहचान थी। आजमगढ़ महान क्रांतिकारियों की, ऋषि मुनियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और महान साहित्यकारों की भूमि है। और इस आजमगढ़ धरती से जो संदेश जाता है बहुत दूर तक जाता है, और उस संदेश को लेकर के ही आज मैं फिर आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ ने दो दो बार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद के रूप में यहां से चुन करके भेजा, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ विकास से आज भी कोसों दूर है। आजमगढ़ के विकास के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी नया नहीं किया। अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही बनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्होंने अपने समय में विकास का कोई भी बड़ा कार्य आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। उपचुनाव के पहले हमें विश्वास था कि आजमगढ़ में विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यहां के विकास में रुचि लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधि रुचि लेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये तो अच्छी बात है, बारिश हो गई है, ये तो अच्छी, भागने की आवश्यकता क्या है इसमें? इतनी भीषण गर्मी से राहत देने के लिए देखे इंद्र भगवान भी आप पे खुश हो गए हैं। देर पहले तक भीषण गर्मी चल रही थी, धूप चल रही थी, और अब जैसे ही यहां पर हम लोग आए हैं वैसे ही बरसात भी अब शुरू हो रही है। इसका मतलब कि इस बार वोटों की बरसात भारतीय जनता पार्टी निरोहा के पक्ष में आजमगढ़ की जनता जरूर करने जा रही है। भैया बहनों, दो दो बार आपने समाजवादी पार्टी को यहां से संसद में चुनाव जिता करके एक खानदान को अवसर दिया, लेकिन प्रदेश में सरकार के दौरान चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, विकास से कोसों दूर रखा। आजमगढ़ का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता था, होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में रहने का ठिकाना नहीं मिलता था, कोई व्यक्ति अपने घर में किराए में रहने के लिए तैयार नहीं था। आज आजमगढ़ को इन सभी पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है।
आज आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं आप में, आप में से कितने लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं? भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनने वाली है। ये केवल आवागमन का माध्यम नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की धुरी बनने वाली है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो लखनऊ को गाजीपुर तक जोड़ता है, भाइयों बहनों, इसमें औद्योगिक क्लस्टर का विकास करने जा रहे हैं। उद्योग लगेंगे, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और यहीं पर ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके यहां के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। आजमगढ़ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक वे के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आजमगढ़ के माध्यम से ही अभी हम आजमगढ़ और मऊ के बीच से बलिया को जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आप घबराइए मत, इस बारिश से घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो अन्नदाता किसानों के लिए उपहार है इंद्र भगवान का, और गर्मी से राहत देने का भी देखे ईश्वर कैसे कृपा करता है। आप महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो जाती, लेकिन जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और तो यहाँ पर आज एक शानदार बारिश का उपहार भी आपके लिए लेकर के आए हैं। विकास की बारिश भी अब आजमगढ़ के साथ जुड़ने जा रही है। आपने उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कितने लोगों ने किया? पहले की तुलना में बहुत अच्छा बन गया है ना? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को जिस पवित्र आस्था को ध्यान में रखकर के बनाया है वो आप सबके सामने है। और इधर आप गोरखपुर में जाएंगे, गोरखपुर के विकास को 5 साल पहले जिसने देखा होगा आज जाएगा गोरखपुर को पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या हम गोरखपुर में ही हैं क्या। कभी पेड़ देने की बात जब आई थी हम सोचते थे कि समाजवादी पार्टी किसी आजमगढ़ के ही नौजवान को टिकट देगी। बीच में उन्होंने एक दलित नौजवान को टिकट दिया भी, लेकिन फिर घूम फिर करके फिर अपने सिफाई खानदान में वापस चले गए। समाजवादी पार्टी सिफाई खानदान से बाहर निकल ही नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, उन्होंने उस नौजवान का टिकट काट दिया। और क्या सपा क्या बसपा, जो समाजवादी पार्टी ने किया बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे दूर नहीं है। बहन जी को जिन्होंने धोखा दिया, बहन जी ने उन्हीं को फिर से हाथी में बिठाने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को खारिज कर चुके हैं और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए,
भोजपुरी के दो कलाकारों को हम लोकसभा चुनाव में 2019 में लेके आए थे। एक को मैंने गोरखपुर से लड़ाया था, श्री रवि किशन शुक्ला जी को लड़ाया था। रवि किशन का भाषण सुन रहे थे ना, रवि किशन की फिल्मों को देखा है, कितने लोगों ने देखा है। और दूसरा निरुआ जी को लेके आया था आजमगढ़ में। निरुआ के कितने लोगों ने गाना सुने हैं, सभी ने सुना है ना। और ये दोनों नचाने, जब ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, नचाने आप में से कितने रवि किशन और निरुआ पैदा हो जाएंगे। कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकार को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए तो हम उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और जो मैंने जिससे इस फिल्म सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कला को, भोजपुरी फिल्मों को, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी और हिंदी के साथ साथ देश की सभी भाषाओं में बनने वाली अच्छी और रचनात्मक फिल्मों को आगे बढ़ा सके और नौजवानों को एक मंच भी दे सके। और ये दोनों कलाकार हम लोग लेकर के आए थे ना, लेकिन गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को जिता दिया, आजमगढ़ की जनता चूक गई। गोरखपुर की जनता ने उन्हें जिताया तो गोरखपुर आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा, बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। रवि किशन विकास भी करा रहे हैं, रवि किशन जी के द्वारा वहां पर फिल्मों की शूटिंग भी की जा रही है, बहुत ज्यादा फिल्में बन रही है, ढेर सारे लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। लेकिन आजमगढ़ थोड़ा बहुत विकास हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो किया वही विकास है। आप देख रहे होंगे यहां विकास के कार्य को हम लोगों ने उसको प्रारंभ किया। एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। इसी सत्र में यहां का विश्वविद्यालय भी चालू होने जा रहा है, महाराज सुहेलदेव के नाम पर। यानी 11वीं सदी के भारत माता के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने विश्वविद्यालय दिया है आपके आजमगढ़ की धरती पर। समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने विकास कराया है। भाइयों बहनों, आपने जिन्हें सांसद चुना, कोरोना कालखंड में क्या एक भी बार यहां पर आपके सांसद आए थे, हालचाल लेने के लिए आए थे? कोरोना से बड़ा संकट नहीं हो सकता, लेकिन एक भी बार आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए। और मैं उस दौरान तीन बार आजमगढ़ आया था, तीन बार आया था ना। मैं जिला चिकित्सालय का दौरा भी किया, मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया, और उसके बाद जब लगा विकास होना है तो 2018 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था और नवंबर 21 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दिया है। हम शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। समाजवादी पार्टी यहां विकास नहीं दे पाई थी, लेकिन भाइयों बहनों हम लोगों ने विकास भी दिया है, एयरपोर्ट भी दिया है। बहुत जल्दी हम लोग अब तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, वायु सेवा से आजमगढ़ को जोड़ रहे हैं। अब निरुआ जी को कभी मुंबई जाना हो, आप लोगों में से बहुत सारे नौजवानों को मुंबई ले जाना हो, आजमगढ़ में ही विमान लैंड करेगा, यहीं पर विमान रुकेगा और यहीं से फिर टेक ऑफ करके मुंबई की यात्रा 1 घंटे में मुंबई। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी, लोग विकास में रुचि नहीं रखना चाहते थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।
कोरोना में आपके सांसद गायब थे। कोरोना में 3 बार मैं स्वयं यहां आया था और भाइयों बहनों 3 बार आया ही नहीं था। डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और अखिलेश जी तो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ना? और भले ही चुपचाप लगा ले होंगे, लेकिन आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हम लोगों ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है। 82 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज आपके अकेले आजमगढ़ में लगी है। आजमगढ़ में 35 लाख लोगों को आजमगढ़ में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 35 लाख रुपए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मिलता था क्या? भाइयों बहनों, आज राशन भी फ्री, उपचार भी फ्री, वैक्सीन भी फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री, और यही नहीं सरकार विकास के लिए भी आपके लिए कार्य कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और गोरखपुर से जोरीघाट जोड़ने के लिए आजमगढ़ क्या महिलाएं हो या समाज का कोई भी तबका सबके विकास के लिए कार्य कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? जब विकास भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ना? आप सभी लोग सहमत हैं? देखिए, मैं आपको देखे, हमने रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाया, वो वहां जमे हैं। कभी कभी महीने में 2 महीने में 1 बार जाते होंगे मुंबई। और निरोगा को भी आप सांसद बनाएंगे तो निरोगा यही रह करके आपके बीच में काम करेंगे, यही पे रह करके आजमगढ़ की छवि बदल जाएगी, पहचान का संकट दूर हो जाएगा, कला को भी सम्मान मिलेगा, नौजवान एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया के साथ आजमगढ़ को आगे बढ़ाने, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है। आप देख रहे होंगे ना, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जो गरीबों को हड़पते थे, व्यापारियों को धमकी देते थे, आज कैसे उन पर बुलडोजर चल रहा है ना? और नहीं तो ये लोग गरीबों को हड़प जाते थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। आज कोई बंदे मातरम पर रोक लगा पाएगा? आज तो माइक उतारे जा रहे हैं, सब माइक उतारो भैया, कोई हो हल्ला नहीं, आराम से जनता को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हर गरीब को सम्मान मिलना चाहिए, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, भरपूर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहचान का संकट था, और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो एक बार आजमगढ़ में स्वयं ही आ रहा था, मुझी पर हमला हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? भयंकर हमला हुआ, लेकिन वो गलत डायल कर दिए थे। उन लोगों ने मुझ पर हमला करके सोचा कि इनको मार डालने के, लेकिन वे गलत फैली के शिकार हो गए। कभी कभी नंबर गलत डायल कर लेते हैं ना कुछ लोग। और उसके बाद क्या हुआ था भाइयों बहनों? इन दोनों लोगों ने हमेशा अपराधियों को प्रश्रय दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, गरीबों का शोषण किया है, कमजोर लोगों को तबाह करने के लिए
इनके गुंडे स्वच्छंद होकर के जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान में योजनाएं लागू हो रही हैं, अगले 1.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमें सरकार 5 साल तक चलाने का पहला अवसर मिला था, 5 वर्ष में 5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाई, 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और अभी तो हमारे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं फिर से सरकार के, 100 दिन पूरे होने पर हमने कह रखा है 10,000 नौजवानों को हम भर्ती कर चुके हैं पुलिस में अभी से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा बसपा कांग्रेस इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया। जब नौजवान नौकरी के लिए निकलता था तो भाइयों बहनों नौजवानों के साथ ये लोग क्या करते थे कि उन नौजवानों से वसूली होने लगती थी। कहीं सिपाही खानदान वसूली पे निकलता था और कई महें बहन जी से जुड़े हुए वे लोग, क्योंकि गरीबों को राशन भी नहीं मिलता था और नौजवान को नौकरी भी नहीं, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलता था, ना किसान का कर्ज माफ होता था। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी आप सबसे यही कहने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, विकास भी कराया है, रोजगार भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है और सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसीलिए मेरी कितनी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मेरी आप सबसे अपील है, ये संभव नहीं कि चुनाव के छोटे से पीरियड के दौरान प्रत्याशी गांव गांव जाकर के घर घर जा सके। चुनाव के बाद 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा निरोवा को, निरोवा गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनको पूरी छूट होगी और हम उनसे कहेंगे कि वो यहां से केवल पत्र भेज देंगे, फोन कर देंगे, विकास अपने आप होता रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों उन्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि आजमगढ़ के नौजवान के सामने पहचान का संकट सपा बसपा न खड़ी करने पाए, अग्निवीर आजमगढ़ से पैदा हो, 10 लाख नौजवानों में से अधिक नौजवान आजमगढ़ के भी जाएं
और सेंटर जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ, असम राइफल, इन सब ने घोषणा की है कि हम इन नौजवानों को जब ये लोग चार साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे, 25-20 मिलिट्री में आगे चले जाएंगे और बाकी नौजवानों को वहां अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जो नौजवान बचेंगे उनको हम भी यूपी पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। वहां आम के आम और गुठली के दाम, हमारा 18 साल से लेकर के 24 साल का 23 साल का नौजवान जब पढ़ाई कर रहा है, इस दौरान जब वह 4 साल के बाद वापस आएगा, कुछ को नौकरी मिलेगी लेकिन कुछ लोग अन्य सेवाओं में जाएंगे और उस समय उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, पैसे की एक गड्डी होगी उसके पास स्वयं का रोजगार करने के लिए भी और अपने परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का भी। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बहन की शादी करनी होगी, किसी को अपने भाइयों को पढ़ाना होगा और कोई नौजवान आर्मी में और पुलिस में रहते हुए आगे भी पढ़ना चाहता है, सरकार ने कहा हम उसको पूरा अवसर देंगे आगे बढ़ने का। एक नई स्कीम देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आगे बढ़ाई गई, विपक्ष उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें विपक्ष के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है और अपने नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। जिताएंगे, दुर्वा को जिताएंगे, भाइयों बहनों जिताएंगे पक्का, लेकिन उसके लिए काम करना होगा आपको। और वह कार्य है, मैंने पहले कहा कि निरहुआ जी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर घर नहीं जा पाएंगे। इस समय आप सभी लोग अगले 4 दिन के अंदर, आज के बाद से ही प्रारंभ कर दीजिए, हर यहां पर उपस्थित नौजवान को मैं एक संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं, यहां पर उपस्थित नौजवान 25-25 घरों में घर घर जाकर के संपर्क करें और अगले 4 दिन में 25 घरों में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर प्रत्येक को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर पाएंगे? सभी लोग करेंगे। 23 जून को जब मतदान होगा तो पहला संकल्प क्या होगा? पहले मतदान फिर जनमान। क्या संकल्प होना चाहिए? पहले मतदान फिर जनमान।